तो ये व्हाट्सअप कैसे, क्या हाल चाल है आप लोग के? आई होप कि आपका हाल चाल एकदम मस्त हो, एकदम मस्त रहे। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे रिडीम कोड के बारे में। तो बहुत सारे बंदे में कंफ्यूज है कि भाई हम लोग को रिडीम कोड जो है बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, क्या हम लोग को इसमें रिडीम कोड मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिडीम कोड अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, क्या रिवॉर्ड्स वगैरह रहने वाला। तो बहुत सारे बंदे के माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है, बहुत सारे बंदे कंफ्यूज है और सोच रहे इस बात को लेकर कि हम लोग को बहुत दिन हो गया रिडीम कोड नहीं मिला। तो आज की वीडियो में डाउट क्लियर कर देने वाले, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, काफी ज्यादा मजा आएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, फटाफट से वीडियो कर लेते स्टार्ट। एक थोड़ा सा इंट्रो के साथ आपको समझाते हैं रिडीम कोड के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जो बंदे मतलब कि एक दो साल पुराने हैं, जो तीन साल से मतलब कि गेम को अगर खेल रहे हैं, उसको तो पता होगा क्या होता है कि हम लोग का रिडीम कोड जब भी मिलता है तो वहाँ पे मिलता है कि मतलब कोई टूर्नामेंट होता है या कुछ होता है जो अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्री फायर की तरफ से, तब हम लोग को जो यहाँ पे रिडीम कोड मिलता है। लेकिन यहाँ फ्री फायर बैन को लेकर क्या हुआ कि फ्री फायर मतलब कोई टूर्नामेंट खिलवा ही नहीं रहा है, और फ्री फायर का अगर कोई टूर्नामेंट वगैरह नहीं हो रहा था रिडीम कोड भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, रिडीम कोड नहीं मिलेगा? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, रिडीम कोड हम लोग का मिलेगा। रिडीम कोड कैसे मिलेगा तो मैं आपको सबसे बता दूं, हम लोग का जो कि यहाँ पे आने वाला दिवाली का इवेंट बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाने वाला है हम लोग को, जो कि यहाँ पे मतलब कि अक्टूबर के मंथ में हम लोग का दिवाली का इवेंट स्टार्ट हो जाने वाला है। ठीक है, उसके अंदर से क्या होगा कि हम लोग का अगर दिवाली का इवेंट आएगा तो हम लोग का जब भी दिवाली का इवेंट आता है, जब भी हम लोग का दिवाली फेस्टिवल आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सॉन्ग रिलीज होता है। जैसे कि हम लोग का पिछले बार भी एक सॉन्ग रिलीज हुआ था, देख लो, और इस सॉन्ग के बदले गए जो कि माइलस्टोन दिया गया था 3 करोड़ का, जो कि फीमेल का बंडल गन का स्किन और डायमंड वाउचर मिला था। क्या होता है कि सॉन्ग जब भी हम लोग का लॉन्च होता है, कोई सभी अगर सॉन्ग लॉन्च होता है, क्या होता है कि उसका जो मतलब होता है व्यूज ज्यादा बढ़ाने के लिए, वहाँ पे हम लोग कोई एक माइलस्टोन दिया जाता है जिससे हम लोग जो कि व्यूज कंप्लीट करवाते हैं, तो हम लोग को भी रिडीम कोड मिल जाता है और फ्री फायर वाले को व्यूज से पैसा मिल जाता है। तो कुछ टाइप से हम लोग का कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पे इस बार भी मेरे को जहां तक लग रहा है कि आपको इस बार भी काफी अच्छा अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। जब हम लोग का दिवाली का इवेंट आएगा, फिर से कोई म्यूजिक वीडियो आएगा, उसी के साथ कोई माइलस्टोन हम लोग का दे दिया जाएगा। अगर व्यूज नहीं आएगा तब माइलस्टोन दिया जाएगा, और माइलस्टोन देने के बाद जब कोई भी माइलस्टोन अगर आएगा तो उसका तो की रिवॉर्ड्स भी आएगा, और रिवॉर्ड्स आने के बाद क्या होगा कि रिडीम कोड आएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना कंफ्यूजन दूर रहिएगा, इस बार हम लोग को रिडीम कोड मिलने वाला है। ठीक है, 100% कंफर्म आप लोग मान सकते हो, लेकिन यार फ्री फायर का कुछ गारंटी नहीं है, 100% कंफर्म भी आप लोग नहीं मान सकते हो, मतलब 95% मान के चलो कि आपको इस बार भी रिडीम कोड देखने के मिलेगा दिवाली के टाइम पे। ठीक है, अगर कोई वीडियो वगैरह आएगा अब, ठीक है, तब समझ में आ गया रिडीम कोड कब मिलेगा, मैंने बता दिया। और यहाँ पे रिवॉर्ड्स के बारे में बात करते, रिवॉर्ड्स यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे को भी क्या कोई अभी कंफर्मेशन निकल के नहीं आ रहा है क्या रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ पे मैंने सबको समझा दिया, और रिवॉर्ड्स क्या था अभी कंफर्म वगैरह नहीं हुआ, इसलिए इसमें रिवॉर्ड्स नहीं दिखा सकता, रिडीम कोड मिलेगा ये कंफर्म है। ठीक है, तो हम लोग जो कि मेरे को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, बहुत सारे बंदे कंफ्यूज रिडीम कोड के रिगार्डिंग, मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं, आप लोग को समझा देते हैं कि आप लोग को रिडीम कोड मिलेगा तो आप लोग एक्टिव रहना अपने चैनल पे, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो जैसे भी आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, मैंने इतना स्टार्टिंग में इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, ताकि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तभी आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा, इसलिए इसमें लास्ट में बोल रहा हूँ, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम गाइस।